सत्या एट किचन को सब्सक्राइब करें, रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इजी एंड टेस्टी चिकन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे मैंने अपने ही स्टाइल में बनाया है, टेस्ट की गारंटी है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। 1 kg चिकन लिया है, 3 से 4 चम्मच दही डाला है, 1/2 छोटा चम्मच दही, 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 नींबू का रस। इसे मिक्स किया। फिर इसे चिकन में डाल रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसे आप जितनी देर के लिए रख दें, आप 6 घंटे 4 घंटे आप रख सकें तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रख पाई थी क्योंकि मैंने रेसिपी ही लेट नाइट बनाया था, यानी मैंने करीब करीब 11:30-12 बजे, तो टाइम नहीं था, मैं नहीं रख पाई थी। मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए रखा था। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 4 से 6 घंटे रखें, कम से कम आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें। फिर यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून तेल गर्म हुआ, 2 तेज़पत्ता, 4-5 काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची क्रश करके और 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। इसे कुछ सेकंड्स तक फ्राई किया। फिर 3 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज और 3 हरी मिर्च स्लाइस करके डाला है। इसे मैं हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। तो ये जो भी काम आज मैं इसे पका रही हूँ तो इस सब लो फ्लेम पे ही ये आपको पकाना है। तो ये हल्का गुलाबी हो गया। फिर मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। आपके पास अगर अदरक का भी पेस्ट हो तो आप इसमें ज़रूर डालें। 1 मिनट तक मैंने इस पेस्ट को भी लो फ्लेम पर भुना है। ये सॉफ्ट भी हो गया है और हल्का गुलाबी भी। फिर मैरिनेटेड चिकन मैंने इसमें डाले हैं। मैं जिस तरह बनाती हूँ अगर उसी तरह से आप बनाएंगे तो स्वाद की, इसके टेस्ट की एक गारंटी है। थोड़े से मसाले रह जाते हैं तो उसे भी पानी डाल करके इसमें डाल दिया और लो फ्लेम पे ही इसे भुनना भी है, यानी कि जो पूरा चिकन की रेसिपी मैंने यहाँ पे बनाई है लो फ्लेम पे ही। 5 मिनट के लिए कवर किया, 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया, इसे काफ़ी पानी रिलीज़ हो गया। फिर इसे मैंने एक बार इस तरह से उलट पलट कर दिया, यानी नीचे की चिकन ऊपर कर दिए, ऊपर के नीचे। 5 मिनट के लिए फिर से इसे कवर किया और फिर ढक्कन हटा करके फिर से इसे हटाया। अभी भी काफ़ी पानी है इसमें। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और मुट्ठी भर करके कसूरी मेथी। तो कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी मैंने पहले डाल दिया था। नमक डाला है स्वादानुसार, नमक मैरिनेशन के टाइम में मैंने नहीं डाला था तो यहीं पे डाला है। तो भूनते भूनते इसे मिक्स करते हुए भी 2-3 मिनट निकाल दिया। उसके बाद फिर से 5-7 मिनट के लिए ढक्कन से कवर किया था। तो अब देखिए इससे बिल्कुल ही पानी बिल्कुल सूख चुका है और बिल्कुल जो तेल है वो अलग हो गया है और ये बिल्कुल भुना हुआ दिख भी रहा है और इसकी यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। तो इसी स्टेज पर मैंने इसमें चाय वाले कप से 1.5 कप पानी डाला है। इसे मिला दिया अच्छे से। अब यहीं से देखिए आप, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। 12 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर ही मैंने पकाया है। फिर 12 मिनट के बाद 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और धनिया का पत्ता डाला है। फिर से कवर किया 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद फिर से इसे हटाया तो इसकी ग्रेवी और सूख जाएगी थोड़ी देर में, 2-3 मिनट के बाद। तो इसे चलिए सर्व करती हूँ अब।
तो ये है मेरे अपने स्टाइल में चिकन की रेसिपी, जिसे बनाना भी आसान होगा और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इसके स्वाद को आप चख पाएंगे। तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।